उदयपुर में सावन की झड़ी मंगलवार को लग ही गई। आज सुबह से ही लेक सिटी में मध्यम तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। रविवार और सोमवार को हुई बारिश के बनिस्पत आज हुई बारिश एक सरीखी बरसी। हालांकि शहर के कई हिस्सों में मध्यम बारिश थी तो कई इलाकों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। आपको यहां यह भी बता दें कि 1 बजे बाद मौसम फिर खिल उठा और बारिश का असर कम होता दिखाई दिया। हालांकि धूप नहीं आने से शाम तक फिर बारिश के लौटने के कयास लगाए जा रहे हैं। इधर आज सुबह से ही सावन की लगी झड़ी के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। सुबह ऑफिस के समय भी सड़कें खाली ही नजर आई। दूसरी ओर खुशनुमा मौसम होने के बाद लोग घरों से बाहर निकले और पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करने रवाना हुए। शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक नजारों के बीच लोगों ने परिवार के साथ जमकर लुत्फ उठाया। देखिए, उदयपुर में अभी सुबह से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है और बारिश की झड़ी लग गई है। 2 दिन पहले तेज बारिश हुई थी। ये तेज बारिश नहीं है, लेकिन वो तेज बारिश आई थी उसमें हवा के चलने से वो बारिश निकल गई थी, लेकिन आज जो बारिश है वो लगातार सुबह से झड़ी लगी हुई है। अभी मैं आर के सर्कल के यहाँ से हूँ। मैं आर के सर्कल का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। उदयपुर में अभी बारिश के हाल है, उमस लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन ये बारिश राहत की बूंदों के रूप में तब्दील होगी। आप ये देख सकते हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। सड़कों पर वाहनों की जो अभी ऑफिस आने का समय है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही कम संख्या है। वाहनों की संख्या में आज जो देखा जा रहा है बहुत ही कम है, क्योंकि मौसम सुबह से ही ऐसा ही था तो लोग कहीं कहीं प्रभावित हुए हैं। कि आप ये देखें, ये शोभापुरा की तरफ जाने वाला और ये आर के सर्कल,